हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर। यानी दो नंबर हैं, एक तो कंडीशन हमारे पास ये है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज़्यादा है, यानी अगर मैं नंबर लेट कर रखता हूँ, एक ए प्लस बी है तो इसका अर्थमेटिक मीन 2 आएगा, एंड ए बी प्लस 2 क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन उसका 2 से ग्रेटर कर गया, यानी 2 ज़्यादा है, यानी इसमें से अगर मैं 2 ऐड करूँगा फिर इसके अर्थमेटिक मीन के इक्वल आ रहा है। वो सेकंड कंडीशन ये है कि द सम ऑफ नंबर इज 20, यानी अगर दो नंबर हैं उन्हें मैं ऐड करूँगा तो वो ए प्लस बी 20 के इक्वल आ रहा है। ये दो कंडीशन इसने हमें दी हुई है, इसकी हेल्प से हमने ये फाइंड करना है कि जो दो नंबर है ना वो फाइंड करेंगे। अब अगर मैं इसे ये देखूँ, ए प्लस बी इक्वल टू 2 ए बी का अंडर रूट प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 के इक्वल आ रहा है फ्रॉम 1, इसके इक्वल आ गया। अब ये जो ए प्लस बी की वैल्यू 20 है, मैं यहां पे अगर पुट कर दूं, 20 इक्वल टू 2 ए बी का अंडर रूट प्लस 4, प्लस 4 मैं इधर ले आता हूँ, 20 माइनस 4 इक्वल टू 2 ए प्लस बी का अंडर रूट, 20 में से 4 माइनस करें 16 आ रहा है 2 ए प्लस बी का अंडर रूट, और ए बी अंडर रूट आ रहा है 16 ओवर 2 को 2 पे डिवाइड करें 8 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ ए बी अंडर रूट इक्वल टू 8, तो अगर हम बोथ साइड पे इसका स्केयर ले लें तो ए बी इक्वल टू 8 का स्केयर लेंगे ए बी इक्वल आ रहा है 64 के, और यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड करूँ वो आ रही है 64 ओवर बी, ए की वैल्यू आ गई है 64 डिवाइडेड बाई बी के इक्वल। ये जो ए की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 में पुट कर देते हैं, 2 हमारे पास है ए प्लस बी इक्वल टू 20 एंड ए की प्लेस पे हम 64 ओवर बी प्लस बी इक्वल टू 20, इसका अगर हम एलसीएम ले लें बी आ रहा है 64 प्लस बी स्केयर ओवर बी इक्वल टू 20, 64 प्लस बी स्केयर इक्वल टू 20 बी, बी स्केयर माइनस 20 बी प्लस 64 इक्वल टू 0, यानी हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है बी स्केयर माइनस 20 बी प्लस 64 इक्वल टू 0। इसमें मल्टीप्लाई करने से 64 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 20 के इक्वल आना चाहिए। तो इसका अगर हम फैक्टर देखते हैं तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर हम 16 के इक्वल है एंड सेकंड 4 के इक्वल है, तो बी स्केयर माइनस 16 बी एंड माइनस 4 बी प्लस 64 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से अगर हम देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, पहले बी यहाँ पर कॉमन आ रहा है बी माइनस 16, और इधर देखें तो माइनस 4 कॉमन आ रहा है बी माइनस 16 इक्वल टू 0, बी माइनस 4 एंड बी माइनस 16 इक्वल टू 0, एक बी का आंसर 4 के इक्वल आ रहा है एंड अदर बी जो है 16 के इक्वल आ रहा है। अब बी की दो वैल्यू आ रही हैं, देन ए इक्वल है 64 डिवाइडेड बाय बी के इक्वल, ए हमने पहले फाइंड किया हुआ है, ए इक्वल है 64 ओवर बी के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं बी पुट करता हूँ 4 के इक्वल,
तो ए किसके इक्वल आएगा, 64 ओवर 4। सिक्सटी फोर को फोर पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ रहा है 16। उसका मतलब है ए 16 है एंड बी 4 के इक्वल है। ये भी हो सकता है ए है 64 ओवर बी, तो इसमें हम बी की प्लेस पे पुट करते हैं 16, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है 4। यानी अगर ए 4 है तो बी 16 है, यानी दो वैल्यू इसकी आ गई हैं, एक 4 है एक 16। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। फर्स्ट ये है कि अगर हम ए की प्लेस पे पुट करते हैं, बी की प्लेस पे 16 पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास 16 के इक्वल आ गई है। अगर हम बी की प्लेस पे 16 पुट कर रहे हैं, फिर ए की वैल्यू 4 के इक्वल आ गई है। तो अगर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें द अर्थमेटिक मीन टू नंबर इज़ 5, बिल्कुल सेम इसी तरह या 7 की तरह, लेकिन इसमें जो कंडीशन बनेगी कि दो नंबर हैं, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज़ 5 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4। यानी इसमें जो हमने कंडीशन बनाएंगे कि अर्थमेटिक मीन है दो नंबर का, ए प्लस बी ओवर टू इक्वल टू 5 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 5 इंटू 2 10, ये फर्स्ट कंडीशन बनेगी। एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4, ए बी का अंडर रूट जो है ये 4 के इक्वल है। यहाँ से हम ए बी फाइंड करेंगे, 16 के इक्वल आ जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से फर्स्ट में से ए की वैल्यू पुट करके सेकेंड में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी।